हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार बस्ती भोपाल से आपके लिए आया हूँ बच्चों। आज 16 ग्रुप में लेक्चर नंबर 3, 16 ग्रुप बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। हम सब जानते हैं ये पोलोनियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसकी जो हाफ लाइफ है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसकी जो हाफ लाइफ है बच्चों, वो हाफ लाइफ कितनी है, 13.8 मिनट। बच्चों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम में लेक्चर नंबर 3 में हम किस किस बात की स्टडी करेंगे, तो नंबर 1 बच्चों हम लेंगे रिएक्टिविटी, नंबर 1 हम लेंगे रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। बच्चों नंबर 1 है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। नंबर 2 लेंगे रिएक्टिविटी विथ हैलोजन X2। तो दो का आज हम इस प्रॉपर्टीज में दो का अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। मैंने बताया बच्चों 16 ग्रुप में मैक्सिमम आपको 9 लेक्चर्स में 16 ग्रुप हमारा खत्म होगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन आज रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो लिखना शुरू करेंगे बच्चों आप लोग पहला पॉइंट डालेंगे 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स। क्या बच्चों क्या मिलेगा हमें 16 ग्रुप एलिमेंट्स किस टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे हमारे पास, EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स। दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे बच्चों, 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स। ठीक है, ई मीन्स बच्चों होगा एलिमेंट, इसको हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट कौन सा, अब ऑक्सीजन तो जुड़ी रहा है बच्चों, तो सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम। ठीक है, हम जब EO2 बोलेंगे तो EO2 का क्या बन जाएगा, SO2, SeO2 एंड TeO2। EO3 बोलेंगे बच्चों तो क्या बन जाएगा बताओ, तो ये बन जाएगा SO3। हम बनाएंगे EO3 टाइप ऑक्साइड्स, तो दीज आर फॉर्म्ड SO3, SeO3 एंड TeO3। तो हम देखेंगे बच्चों EO2 टाइप ऑक्साइड्स में आपको SO2, SeO2 एंड TeO2 बनेगा, और यदि आप यहां पे देखेंगे तो SO3, SeO3 एंड TeO3 बनेगा। ये आपने बता लिया बच्चों, इसको मिटा देता हूं। चलो तो ये यहाँ पर जब ऑक्साइड्स है, इसका पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा पहला पॉइंट हुआ कि 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स, EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड्स, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया ये। चलिए सेकंड पॉइंट पे बच्चों हम चलते हैं, दैट इज द सेकंड पॉइंट, बोथ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड पॉइंट क्या बच्चों, बोथ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सेकंड पॉइंट हमारा, बोथ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दोनों ही ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं, कौन से, EO2 एंड EO3, दोनों ही ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक नेचर। क्योंकि आप मेटल में पोलोनियम आ रहा है, यदि अपन देखें यहां पर सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम को तो आपने हटाई दिया, रेडियोएक्टिव, ये दोनों मेटलॉइड हैं और ये नॉन मेटल है, तो क्या हो जाएगा, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर के। ये मैं इस ब्लॉग में बता चुका हूं, दोबारा फिर से मैं बता रहा हूं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, और जो मेटलॉइड्स होते हैं वो मेटलॉइड्स आर एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। ये एसिडिक के साथ में क्या होते हैं बच्चों, बेसिक नेचर के होते हैं। यदि हम नॉन मेटल के ऑक्साइड्स ले रहे हैं बच्चों तो एसिडिक नेचर, ठीक है, और मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स ले रहे तो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। अम्लीय प्रकृति के भी होते हैं बच्चों, क्षारीय प्रकृति के भी, मेटलॉइड्स मतलब उपधातु, मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड्स होंगे वो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति दोनों के होते हैं।
और जो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही ऑक्साइड्स इसने बोला है ईओ टू एंड ईओ थ्री, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर भी आप ये देखेंगे, इसको मैं मिटा दूं बच्चों। इसमें जब आप ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे तो ईओ टू में बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा बच्चों, प्लस फोर, और ईओ थ्री में ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस सिक्स, ठीक है। इसका जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है हमारे पास, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है देखिए, थर्ड पॉइंट में हम यदि बात करते हैं तो वो ये कह रहा है कि चलो थर्ड पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला नहीं लेते हैं अपन, वो ये कह रहा है ओजोन एंड एकदम से याद आ गया, ओजोन एंड एसओ टू आर इन गैसियस फॉर्म। ये बोलता है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, सल्फर वाला भी, और जो SiO2 होता है सेलेनियम वाला वो सॉलिड्स फॉर्म में होता है। तो थोड़ा सा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी हमें दे रहा है, बोल रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमें याद होनी चाहिए, वो दे रहा है ओजोन और SO2 गैसेस फॉर्म में है और SiO2 सॉलिड फॉर्म में, ये भी दे रहा है हमें कि ये भी भैया कर लो। चलो फोर्थ वाला फॉर्म, जो फोर्थ जो पॉइंट है बेटा, फोर्थ पॉइंट फॉर्म नहीं, फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल के चलता हूं। क्यों, यदि बच्चा यदि मैं SO2 लूं प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट का, सल्फर सेलेनियम एंड टेलेरियम, इसका ऑक्सीजन ले लूं तो यहां भी बच्चों प्लस फोर होगा, यहां भी प्लस फोर होगा। तो बच्चों जब ये प्लस फोर होगा यहां पर तो ये बोलेगा जो SO2 है इट इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जा रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, बोल रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, कौन SO2, और TO2 बोल रहा है इट इज या इट्स एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोल रहा है ये किस रूप में काम करेगा बच्चों, ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, जो TO2 है बच्चों वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रूप में काम करेगा ऐसा बोल रहा है, और जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा ऐसा बोल रहा है। अब थोड़ा सा हम इसका मतलब क्या हो गया, यदि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, सिक्सटीन ग्रुप में सल्फर सेलेनियम टेलेरियम, तो दो बातें हो रही हैं, इनसे दो बातें हमें मिल रही हैं। पहली बात इनसे क्या मिल रही है हमें, ए पॉइंट कि जो रिड्यूसिंग करेक्टर यदि हम बोले हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो रहा है देखिए, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, मैं एरो ऐसे बनाऊं मतलब डिक्रीज का एरो है, ये कम हो रहा है घट रहा है, रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। यदि मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर के बारे में बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो ऑक्सीडाइजिंग है ही नहीं एजेंट, ये तो रिड्यूसिंग है, तो रिड्यूसिंग करेक्टर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है घट रहा है और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बढ़ रहा है। अब इस बात के ऊपर बच्चों क्या मतलब, क्या चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं, कुछ कंसेप्ट तुम्हें मिल रहा है, ये मैंने कल भी लेक्चर नंबर टू में, कल मीन्स लेक्चर नंबर टू में मैंने आपको बताया क्या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, कई बार बोल रहा हूँ बार बार बता रहा हूँ। देखो बच्चों SO2 जो है ये SO2 इट इज कन्वर्ट इनटू SO3, देखिए SO2 में प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है और SO3 में प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो ये कह रहा है कि जो SO2 से हम SO3 की तरफ जा सकते हैं, इटसेल्फ ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर यदि इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है इट मींस ये इट्स एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ क्या होता है बच्चों, दैट इज इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, वो हमेशा स्वयं में उनका ऑक्सीडेशन होता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, प्लस फोर से प्लस सिक्स हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया मतलब कि वो रिड्यूसिंग एजेंट के समान काम कर रहा है। वो हमें देखना, हमें ये मेटल ये एलिमेंट देखते हैं हम लोग, ये एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है, यदि बढ़ रहा है बेटा तो इसका मतलब है कि वो इटसेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। चलिए
अब ये वाली बात TO2 के साथ क्यों नहीं होती, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के समान क्यों काम करता है, तो चलिए हम दूसरी तरफ देखें। अब हम दूसरी तरफ हम TO2 को देखते हैं। तो बच्चों TO2 जो है, जब तक हम TO2 में चलते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप देखते हैं तो यहाँ पर सल्फर में सल्फर 16 है, मैंने बताया दो क्लासेस में, दो लेक्चर में मैंने आपको दिया 16 में क्या होता है, हीलियम नियॉन 16 में है ना, 1s2 2s2। कौन सा पीरियड है ये, इसका सेकंड पीरियड होगा, नामग अलसी पस्कल अरनी सेकंड पीरियड है। तो इसमें 2s2 एंड 2p सल्फर के पीछे ऑक्सीजन है, 2s2 2p4 सल्फर, 3s2 3p4। तो 3s2 3p4 में 3d खाली है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ का जो 3d है वो यहाँ पर वैकेंट है, खाली है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। लेकिन जब आप टेलेरियम में जाते हैं तो 3d यहाँ का भर जाता है बच्चों, सेलेनियम का। जब सेलेनियम का 3d भर गया तो टेलेरियम में तो 4d भर गया, यहाँ पर 3d बाद 4p आएगा, टेलेरियम में भर जाता है। तो यहाँ पर 3d10 एंड 4d10 भी यहाँ पर हो जाता है। तो 4d10 के कारण इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये यहाँ पर बढ़ नहीं पाती। TO2 जो +4 है बच्चों, वो यहाँ पर TeO3+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आ पाता। क्यों नहीं आ पाता, मैंने बताया ऑक्सीडेशन स्टेट लेक्चर नंबर 2 में कि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसलिए नंबर आगे बढ़ नहीं पाता ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो डिटेल में बताया आपको मैंने। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट, अंदर के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस शेल के दो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ पाता। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ पाता तो ये कम हो सकता है, यस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को आप कम कर सकते हैं। यदि ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों +4 से +2 जा रहा है, यदि ऑक्सीडेशन नंबर आपका यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे +4 और यहाँ पे +2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के समान काम करेगा। क्यों, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दीज आर इट सेल्फ रिड्यूस, वो क्या होते हैं स्वयं में उनका क्या होता है यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो दीज आर इट सेल्फ रिड्यूस, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के समान काम कर रहे हैं क्योंकि वो इट सेल्फ यहाँ पर रिड्यूस होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर हम जो देखते हैं, हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने नीचे लिख दिया है +4 से +2 जाता है, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मिल गए, आपने समझ लिया बात को बच्चों, ठीक है, कि यहाँ पर SO2 से हम TO2 की तरफ जाते हैं तो +4 से +6 ऑक्सीडेशन नंबर TO2 से TO3 में नहीं जा पाती इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ये जा सकता है, इसलिए इट्स एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और SO2 इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उतार लीजिए इसको फटाफट, उतारिए इसको जल्दी जल्दी उतार लीजिए आप लोग। तो बच्चों आप लोगों ने उतार लिया होगा, चलिए अब सेकंड, ये तो हो गया ऑक्साइड्स, बहुत छोटा सा था लेकिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अब हम लेते हैं रिएक्शन बेथ, रिएक्शन बेथ हम लेंगे नेक्स्ट, रिएक्शन बेथ हेलोजन। बच्चों जो हम रिएक्शन बेथ हेलोजन के बारे में बात करना चाहेंगे तो देखिए कौन कौन से टाइप्स इसके आपको मिलेंगे रिएक्शन बेथ हेलोजन में, सेकेंडरी ग्रुप में एलिमेंट्स में। तो रिएक्शन बेथ हेलोजन, रिएक्शन बेथ हेलोजन में बच्चों, रिएक्शन बेथ हेलोजन्स, तो जब हम रिएक्शन विथ हैलोजन्स के बारे में बात करेंगे तो इसके जो टाइप्स के बारे में जो हम बात करेंगे, टाइप्स नंबर 1 टाइप्स हो जाएगा, तो इसमें मिल जाएगा आपको EX2 टाइप के, EX4 टाइप के, EX6 टाइप, इस प्रकार से आपको टाइप मिलेंगे हैलोजन्स में। हमने यहाँ पर यदि लिया यहाँ पर तो आप जानते हैं कि EX2 एलिमेंट ले लो आप, सल्फर ले लेंगे तो ऑक्सीजन ले लेंगे तो Cl2O वगैरह, ठीक है ये मिलते हैं आपको, या Br2O आपको मिलता है, ठीक है सल्फर लेंगे तो आप एस सल्फर ले लिया हेलोजन में SCl2, ये आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन ये इसका मोनोमर्स नहीं मिलते अपने को, तो हम इसको इसके लिए क्या लिखना पड़ता है हमें S2Cl2, SCl2, SeCl2, ये जो मोनोमर्स हैं दीज आर नॉट फॉर्म, ये नहीं बनते। इसका कौन सा फॉर्म बनता है, Se2Cl2 डाइमर बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो दीज आर कॉल्ड डाइमर्स, इनको अपन डाइमर बोलते हैं, यहाँ पर डाइमर बनेंगे इनके, क्या बोलेंगे हम इसको, डाइमर, ठीक है। तो बढ़ लिख दूँ मैं आपको, छोटा शायद नहीं दिखाई दे आपको वीडियो में, चलो इसको बड़ा लिख देते हैं डाइमर, ठीक है बच्चों डाइमर बनेंगे।
तो इनके यहाँ पर डाइमर बनते हैं बच्चों, मोनोमर नहीं बनते, डाइमर के फॉर्म में रहता है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के यहाँ पर Cl2 और Br2 ये सब बनते हैं। यहाँ का ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की +2 शो करेगा, यहाँ पर +4 शो करेगा, यहाँ पर +6 शो करेगा। जब अपन यहाँ पर बात करते हैं तो सल्फर, सेलेनियम एंड टेलेरियम की बात होगी, SCl4 की बात हो गई, SeCl4 की बात हुई, TeCl4 की बात हुई। बच्चों जो SCl4 है वो गैसियस स्टेट में रहता है, गैस रहती है, गैसियस स्टेट में रहेगा। और फिजिकल में थोड़ा सा हम देखेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा, और जब आप TiCl4 लेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर आप ये स्टेट फिजिकल स्टेट्स वगैरह क्यों बता रहे हैं, तो बेटा फिजिकल स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए, ऐसा बुक्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है। चलिए यदि अपन यहाँ पे लेते हैं EX6, तो ध्यान रखिए जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सा हैलोजन लेके आता है, तो वो लेके आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन छोटा सा होता है बच्चों, ठीक है, छोटा सा फ्लोरीन होता है, वो लेके आता है। कौन सा लेके आएगा, देखो SeF6 ले आएगा, TeF6 ले आएगा, SF6 ले आएगा। तो ये सल्फर के साथ में फ्लोरीन ये यहाँ पर ले आते हैं, हेक्साफ्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये टाइप हो गए। अब टाइप के बाद में जो हम सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर सेकंड पॉइंट इसका, तो हम क्या देखते हैं, हम यदि यहाँ पर इनका लेके चलते हैं कि SCl4, SeCl4, TeCl4 है यहाँ पर, और यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड है, तो इनकी थोड़ी रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी कि कौन सा ज़्यादा बनेगा। यदि हम रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो रिएक्टिविटी तो आपको पता है, फ्लोराइड है सबसे ज़्यादा है, क्लोराइड उसके बाद, ब्रोमाइड उसके बाद, एंड आयोडाइड उसके बाद। देखिए हेलोजन्स में 17 ग्रुप के भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलते जा रहे हैं पी ब्लॉक में। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, फ्लोराइड हो गया यहाँ पर, उसके बाद देन क्लोराइड आपको मिला, फिर ब्रोमाइड मिला, उसके बाद देन आयोडाइड आपको मिला। यदि आप स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं बच्चों, तो जो स्टेबिलिटी होगी वो फ्लोराइड की ज़्यादा होगी, SF6, उसके बाद आएगा SCl6, उसके बाद आएगा SBr6, उसके बाद आएगा SI6। अब चूंकि यहाँ पर इनका स्ट्रक्चर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है बच्चों वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, स्टेबिलिटी हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियर नहीं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगी शायद, चलिए मैं स्टेबिलिटी यहाँ पे डाल देता हूँ, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बच्चों, स्टेबिलिटी थोड़ा सा फिर से लिख लीजिए आप यहाँ पे, शायद वीडियो में नहीं आ पाए। तो स्टेबिलिटी में क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी में हम देख रहे हैं जो सल्फर लिया, SF6 इज मोर स्टेबल देन SCl6 इज मोर स्टेबल देन SBr6 इज मोर स्टेबल देन SI6। तो इस प्रकार से आपको ये स्टेबिलिटी आपको मिलती है बच्चों। तो स्टेबिलिटी में फ्लोराइड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा बच्चों, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड की स्टेबिलिटी आपको मिलती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, टाइप बताई, EX2, EX4, EX6 बताया, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से हमने देख लिया, हमने +2 है ऑक्सीजन, देखिए हेलोजन आ गए, यहाँ पर हेलोजन है तो OCl2 Cl के जाता, OBr2 आ गया, सल्फर ये हो गया Cl2 लगा दिया, SeCl2 मोनोमर फॉर्म में नहीं है, डायमर में मिलते हैं, तो ये डायमर हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, डायमर बना दिए मैंने, ठीक है। ये +4 और +6 से मिल जाते हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम बता दिया, और ये हेक्साफ्लोराइड बता दिए, रिएक्टिविटी बता दी बच्चों मैंने, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, और स्टेबिलिटी इनकी फ्लोराइड की पहले, फिर क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की होगी। जब बच्चों हम इन्हीं के यदि हम स्ट्रक्चर्स की बात करें, अब हम इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, किसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अभी हम, अभी हम बात कर रहे हैं SF6 वाले स्ट्रक्चर की बात। तो जब हम SF6 के बारे में बात करेंगे, SF6, SCF6 एंड TeF6, तो हम देखते हैं बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पर, ये ऑक्टाहेड्रल इन शेप होता है इनका, और यदि इनका ऑक्टाहेड्रल इन शेप है बच्चों तो आप जानते हैं कि इनका जो हाइब्रिडेशन है वह sp3d2 आपको मिलेगा, ठीक है, हाइब्रिडेशन आपको sp3d2 आपको मिलेगा। क्योंकि सल्फर में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और 6 ही यहाँ पर बॉन्ड बने हुए हैं, तो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो LP यहाँ पर 0 है, तो स्ट्रक्चर sp3d2 का जो ऑक्टाहेड्रल वही इसमें मिलता है आपको, ठीक है बच्चों। इसके अंदर जो हम एक्स्ट्रा पॉइंट जो दिया गया है उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो अलग से आपको लिखना है, जो हो सकता है कि आप जो है वो भूल जाएं और नहीं बता पाएं, तो वह SF6 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल, मतलब ये जो SF6 है वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता नहीं है कि अपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए, है ना, जैसे अपने दो हाथ जो चार हाथ हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो SF6 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल क्यों है वो बताया जा रहा है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। उसमें एक आंसर दिया जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि बच्चों वो क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है, ड्यू टू इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, उसका कारण है स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो बच्चों SF6 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, राज दुलारे बच्चों, तो क्या हो गया, ऑक्टाहाइड्रल बना दिया, सल्फर ऐसा बना दो, स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, यहाँ पे जुड़ते जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उतारिए फिर इसको, जब हो गया तो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो गया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो गया ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस लिख लिया आपने, इसका ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया आपने। ठीक है, तो इसको उतार लो बच्चों, तो मिटा दिया आपने बच्चों, तो चलिए फिर आ दी आपने ये मिटा दिया, तो जो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह है बच्चों, इस हाइब्रिडाइजेशन का मैं एक वीडियो और एक हाइड्रोजन बॉन्ड का छोटे छोटे वीडियोस में वो लर्न विथ फन जो है वो चैनल जो मैंने बनाई है, जो छोटी सी अभी अभी उगती चैनल है, अभी बीजी है वो तो चैनल का। ठीक है, उसमें लर्न विथ फन केमिस्ट्री जो सब्सक्राइब नहीं किया जिन बच्चों ने, वो चैनल को फिर से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा नहीं है, उसमें जो चीज़ें ट्रिक्स दी गई हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, उसको उतारें और एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो फिर फ़ायदा होगा बच्चों में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें हेक्साफ्लोराइडों के बाद में टेट्राफ्लोराइड्स के बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लें, टेट्राफ्लोराइड्स या टेट्राहैलाइड्स। ठीक है, टेट्राफ्लोराइड्स में SF4 है, SEF4 है और TEF4 है। ठीक है, या Cl, यदि अपन ये भी ले सकते हैं फ्लोराइड्स में SCl4, है ना, F4 की जगह Cl कर दिया, SeCl4 एंड TeCl4। बच्चे यहाँ पर यदि अपन बात करते हैं इसकी, तो मैंने बताया था कि ये गैस फॉर्म में रहेंगे, गैसेस हैं, दीज आर लिक्विड्स, ये मैंने बताया आपको लिक्विड फॉर्म में होंगे और ये आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपको मिल गया। अब आपके यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में इसने बताया अपने को, तो स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन बता रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। अब बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसका वीडियो आपको फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, लर्न विथ फन केमिस्ट्री, इसमें आपको ये छोटा सा हाइब्रिडाइजेशन फिर से मैं दूंगा एक वीडियो बना के, वैसे सर ने दिया हुआ है, पांडे सर ने, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन अलग से भी बनाया सर ने भी, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों। सल्फर क्या है यहाँ पर, देखिए 6 यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीजन, 6 यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर को फिर अपन देख लेते हैं, यहाँ पर देखें क्या, एक आध बार फिर देखें, सल्फर यहाँ पर हो जाएगा 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6 2 8 2 10, 3s2, 3p4, तो यहाँ पर के शेल, एल शेल एंड एम शेल, एम शेल का बच्चों हो गया 3s2, 3p4, 4 2 6, 4+2 6, तो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों हो गया 6, 4 यहाँ पर इसके बॉन्ड बन गए, तो 6 में से आपने 4 बॉन्ड निकाल दिए, तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसका स्ट्रक्चर बच्चों होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है बच्चों, ट्राइगोनल, तीन गोनल। ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ऐसा स्ट्रक्चर मिलना है, कोई भी एलिमेंट है वो यहाँ पर है, जो हेलोजन आपने लगाए वो इधर लगा दो हेलोजन, ठीक है, ऐसे हेलोजन यहाँ पर लगा दो। अब होता क्या है, यहाँ पर क्या है, SF4 है, मतलब 4 ही हेलोजन है, 5वां तो है नहीं, क्यों, क्योंकि एक आपका से लोन पेयर है, तो जो लोन पेयर है वो आप यहाँ पर लगा दीजिए, और ये जो लोन पेयर है इसके कारण क्या होगा, इस लोन पेयर के कारण इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, ख़त्म, तो आप इस लोन पेयर वाले को आप हटा दो, देखो ऐसा, जैसे आप हटाओगे तो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, कैसा, ऐसा,
और जैसे ही स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा मैं उसको ऐसा घुमा दूं, देखो ऐसा और ऐसा, तो मैंने स्ट्रक्चर ऐसा घुमा दिया, देखो ऐसा घुमा दिया। अब मेरा एक स्टूडेंट ऑनलाइन वाला एक यहाँ बैठ गया और एक स्टूडेंट मेरा यहाँ पर एक यहाँ बैठ गया, एक ऑनलाइन वाला बैठ गया और एक लाइव क्लास का बैठ गया। अब यदि दोनों स्टूडेंट बच्चों बैठ गए हैं और इन दोनों का वेट यदि इक्वल नहीं है, दोनों का वेट इक्वल नहीं है, तो वो क्या करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे से चलेगा। ठीक है, याद आपको सीसा स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन, इसको अपन क्या बोलेंगे, सीसा। बचपन में आपने बहुत आपने खेला होगा, कहाँ पर, जब आप लोग कहाँ गए थे, जब आप लोग गए थे कहाँ गए थे, जब आप लोग घूमने जाते हैं बगीचों में, है ना, गार्डन्स में, तब वहाँ पे ये लगे रहते हैं। लेकिन जब ये W1 और W2 बराबर हो जाता है, जो होता नहीं कभी भी, एक लाइव क्लास का स्टूडेंट है और एक ऑनलाइन का है, कभी बराबर नहीं होगा, है कि नहीं, तो वेट अलग अलग है, इसलिए वो घूमते मज़ा आता है आपको। यदि बराबर हो गया तो वो इक्विलिब्रियम बन गया, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यदि वो यहाँ पर स्टैटिक हो गया, इक्विलिब्रियम बन गया W1 W2, तो दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं हम। तो दिस इज कॉल्ड सीसा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, क्योंकि ऐसा है ना, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सीसा स्ट्रक्चर। ये सीसा स्ट्रक्चर क्यों बन गया बच्चों इनके, इसलिए बन गए क्योंकि यहाँ पर क्या थे, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स था। रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसलिए स्ट्रक्चर इस टाइप चले गए। कैसे याद किया अपन ने, कैसे पता लगाया अपने, इसको हटा दिया, देखो सीसा स्ट्रक्चर बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर निकल आएंगे लोन पेयर से, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस मैं थोड़ा सा आपका हवड़े से टॉपिक आपको दूंगा, ठीक है, वीडियो बना के और दूंगा, उसमें फिर अपने तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है। खूब समझा रहे हैं हम लोग, सर भी अपने तरीके से, मैं अपने तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा, तो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर हो गया और फ्लोराइड्स हो गए, फ्लोराइड्स में और कुछ कुछ नहीं है, आपने यहाँ पर लिख लिया फ्लोराइड्स, ठीक है, मिटा दूँ मैं इसको। अब अपन आते हैं फ्लोराइड्स डाई हैलाइड्स। तो बच्चों डाई हैलाइड्स में ये जितने भी 16 ग्रुप एलिमेंट्स है, अपन यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट 16 ग्रुप एलिमेंट्स, 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड FORMD फॉर्म डाई क्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। ये एक पॉइंट हमारे हाथ में आ रहा है कि जो 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो डाइक्लोराइड और डाइब्रोमाइड बनाते हैं, ठीक है। 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चों, एक्सेप्शन पहले बताया मैंने, इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन बन सकता है। एक्सेप्ट सेलेनियम, किसको छोड़ के बच्चों, सेलेनियम को छोड़कर, सेलेनियम मीन्स SE मतलब सेलेनियम, सेलेनियम को छोड़कर 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स, ठीक है, एक्सेप्ट सेलेनियम। बात समझ में आ रही है, सेलेनियम को छोड़ दो तो फिर सल्फर डाइक्लोराइड SCl2, डाइब्रोमाइड SBr2S बनाएगा, टेलेरियम TCl2 TeBr2S बनाएगा, ये सब बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन सेलेनियम नहीं बनाएगा। यदि हम इसके मोनो हैलाइड्स बनाएं, ठीक है बच्चों, मोनो हैलाइड्स, नेक्स्ट पॉइंट बता लिया आपने। यदि हम इसके क्या बनाएं बच्चों, मोनो हैलाइड्स, तो क्या ये मोनो हैलाइड्स बनाते हैं, तो वो ये कहता है कि सल्फर एंड सेलेनियम आर फॉर्म्ड, सल्फर एंड सेलेनियम आर नॉट फॉर्म्ड मोनोहैलाइड्स। ये मोनोहैलाइड्स नहीं बनाएंगे, अभी मैंने बताया इसी में। इनका क्या मिलेगा हमें, S2Cl2 एंड SE2Cl2, ठीक है बच्चों। जो डाइहैलाइड्स जो बन रहे हैं, जो डाइहैलाइड्स जो आपने बनाए हैं, उन डाइहैलाइड्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बच्चों, उनका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहाइड्रल, ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा उनका बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3, ठीक है, डाइहैलाइड्स में। सल्फर एंड सेलेनियम आर नॉट फॉर्म मोनोहैलाइड्स, तो
तो क्या होते हैं, ये डाई हैलाइड्स में रहते हैं, ये डाई हैलाइड्स में, मोनो हैलाइड्स नहीं बनाते, मतलब कि HCl नहीं बनेगा, मतलब ये HCl नहीं बनेगा, ये दोनों नहीं बनेंगे, और ये बनेंगे बच्चों, ठीक है। जब मैं यहाँ पर बात करने का प्रयास करता हूँ कि H2Cl2 का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, दिमाग में आता है, तो बच्चों H2Cl2 का जो स्ट्रक्चर है आपने लिख लिया बच्चों, तो जो H2Cl2 का जो स्ट्रक्चर है जब अपन देखते हैं तो जो H2O2 का स्ट्रक्चर है उसी टाइप से स्ट्रक्चर इसका H2Cl2 का भी हो जाता है। ये H2 हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर हो गया Cl, और ये यहाँ पर हो गया Cl, ऐसा H2Cl2 का हमें स्ट्रक्चर मिलता है, H2O2 जैसा, ठीक है बच्चों। तो H2Cl2 का स्ट्रक्चर हमें इस टाइप से मिलता है, ये स्ट्रक्चर मिलता है हमें, क्योंकि डाइमर के फॉर्म में, मोनोमर के फॉर्म में है नहीं, एस और एस यहाँ पर जुड़े रहते हैं कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। कौन से बॉन्ड के द्वारा बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो कोवलेंट बॉन्ड सहज से उंजक बंध हिंदी में कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसी Cl2 का स्ट्रक्चर देखते हो, ऐसी है, एक Cl इधर है, फिर इसने यहाँ पर ऐसी ऐसा कर दिया और एक Cl यहाँ पर कर दिया, जिगजाग जैसा स्ट्रक्चर मिलता है आपको, ऐसा ऐसा और ऐसा जिगजाग, ऐसा Cl फिर ऐसी फिर ऐसी फिर Cl, ऐसा जिगजाग जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही हमें। तो आज मैंने क्या कंप्लीट करवाया आपको इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 मैंने आपको दो चीज़ें दी, एक ऑक्साइड्स बनाया और सेकंड में मैंने आपको हैलोजन्स बनाए, हैलोजन्स और ऑक्साइड्स ये दो मैंने दी। अब लेक्चर नंबर 4 में जब आपको मिलेंगे तो फिर उस समय अपन आगे बढ़ेंगे। टोटल लेक्चर 9 है, आप चिंता नहीं करना है, कुछ लेक्चर्स छोटे हैं और कुछ लेक्चर्स आपको 1.5 घंटे के भी मिलने वाले हैं, ठीक है, ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए, है कि नहीं, क्योंकि H2SO4 है हमारे पास में, ऐसा पूरा स्टडीज बनाई हुई है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू, थैंक यू बच्चों।